टू माई चैनल ईजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको स्टैंडर्ड सेकेंड का चैप्टर नंबर 15 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो सिखाऊंगी, जो कि आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 25 पे मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे एडिशन मीन्स प्लस एंड सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस। ओके, एडिशन मीन्स प्लस एंड सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस। ओके, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो किसका सीखेंगे? ज़ीरो का, ओनली ज़ीरो। यहाँ पे देखिए, ज़ीरो ऐसे लिखते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, रीड एंड लर्न। देखिए, पिक्चर के थ्रू हम सीखते हैं कि कैसे ज़ीरो का क्या वैल्यू है। चलिए, यहाँ पे आपको एक गर्ल दिखाई दे रही है। फाइव मार्बल्स आर इन द जार। देखिए, इस जार में कितने मार्बल्स हैं? फाइव मार्बल्स हैं। तो ठीक है, हमने लिख लिया फाइव मार्बल्स। ईशा पुट्स ज़ीरो मार्बल्स। अब ईशा ने उसमें ज़ीरो मार्बल्स दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ज़ीरो मीन्स नथिंग। ऐसे याद रखिए कि ज़ीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो हम कुछ भी नहीं को ज़ीरो बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लस कितना? ज़ीरो। तो ज़ीरो को ZERO, ज़ीरो को हम ऐसे लिखते हैं। हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन द जार नाउ? अच्छा, आप बताइए इस जार में कितने मार्बल्स हुए? फाइव पहले से थे, उसमें ज़ीरो डाले। ज़ीरो मीन्स कुछ भी नहीं डाले, तो फाइव के फाइव ही मार्बल्स रहेंगे ना। यस, तो याद रखिए, किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करने पे या प्लस करने पे आंसर वो नंबर ही आता है। ओके, ऐसे आप याद रखें। तो द सम ऑफ एनी नंबर एंड ज़ीरो इज़ द नंबर इटसेल्फ। ओके, उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि द सम ऑफ एनी नंबर एंड ज़ीरो इज़ द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर और ज़ीरो का प्लस करने पे आंसर वो नंबर ही आता है। ओके, दैट इज़ 5 + 0 इज़ इक्वल टू 5। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। ज़ीरो मार्बल्स इन द जार। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, इस जार में ज़ीरो मार्बल्स थे, मतलब कुछ भी नहीं थे, तो हम ज़ीरो लिख देते हैं। ईशा पुट्स फाइव मार्बल्स। अब ईशा ने उसमें फाइव मार्बल्स और रख दिया। हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन द जार नाउ? तो अब इस जार में कितने मार्बल्स हुए? तो फाइव ही होंगे। कैसे? देखिए, ज़ीरो था, उसमें फाइव प्लस किया तो फाइव हुआ ना। ज़ीरो मीन्स नथिंग। तो चाहे आप फाइव प्लस ज़ीरो लिखें या ज़ीरो प्लस फाइव लिखें, मतलब एक ही होता है। ओके, तो द सम ऑफ ज़ीरो एंड एनी नंबर इज़ दैट नंबर इटसेल्फ। अगर किसी भी ज़ीरो में कोई नंबर प्लस करते हैं तो आंसर वो नंबर ही होगा। ओके, तो ये दोनों तरीके से दिया ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो कि फाइव प्लस ज़ीरो फाइव है, ठीक है, लेकिन ज़ीरो प्लस फाइव क्या होगा, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होगा, सेम होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है? ये तो हमने सीखा एडिशन ऑफ ज़ीरो। क्या सीखा स्टूडेंट? एडिशन ऑफ ज़ीरो। अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ ज़ीरो। क्या सीखेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ ज़ीरो। सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है माइनस, एडिशन मीन्स होता है प्लस। ओके, देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाया हुआ है, यहाँ पे पिक्चर्स भी दी है ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। फोर पपायाज आर ऑन द ट्री। दिख रहा है आपको, ये एक पपाया का ट्री है, उस पर कितने पपायाज हैं? 1, 2, 3, 4 फोर पपायाज है। ओके, 1, 2, 3, 4 तो फोर पपायाज हैं। यश शुक द ट्री। अब यश ने क्या किया? ट्री को ज़ोर से शुक किया। शुक मीन्स हिलाया। ओके, इस ट्री को। अब क्या होता है, हाउ मेनी व्हेन यश शुक द ट्री व्हेन वी नहीं यहाँ पे देखते हैं और क्या है। हाउ मेनी पपायाज वेर ऑन द ट्री। देखिए, ट्री पे कितने पपाया थे? फोर। तो हम यहाँ पे फोर लिख देंगे, पहले ट्री पे फोर पपायाज थे। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पपायाज फेल डाउन आफ्टर शेकिंग द ट्री। देखिए, ट्री को कितना भी हिलाया पर उसमें से एक भी पपाया नहीं गिरा, पूरे फोर के फोर लटक रहे। देखिए, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 मीन्स उसने पेड़ को भले हिलाया लेकिन उस पर से एक भी पपाया नहीं गिर पाए। ओके, मीन्स उस पर अभी कितने होंगे? कुछ भी नहीं गिरो मीन्स कुछ भी नहीं गिरे मीन्स कितने गिरे? ज़ीरो। मैंने बोला है कुछ भी नहीं का मतलब ज़ीरो होता है। सो हाउ मेनी पपायाज फेल डाउन आफ्टर शेकिंग द ट्री? ज़ीरो। नाउ हाउ मेनी पपायाज आर लेफ्ट ऑन द ट्री? अब ट्री पे कितने पपाए हैं? फोर ही हैं। सो फोर पहले थे उसमें से, नाउ हाउ मेनी पपायाज आर लेफ्ट ऑन द ट्री? पहले फोर थे उसमें से माइनस कितने चले गए? ज़ीरो। तो आंसर क्या आएगा? आंसर फोर ही आएगा। तो व्हेन वी सबट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम एनी नंबर द रिमाइंडर इज़ दैट नंबर इट्सेल्फ। ओके, क्या बोल रहा है कि किसी भी नंबर से अगर हम ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका रिमाइंडर वही नंबर आएगा। ओके,
तो प्लस में भी वही था, माइनस में भी वही होगा, क्योंकि जीरो मीन्स नथिंग होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो वही सेम आ जाएगा। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपने ये जो कॉन्सेप्ट है समझ लिया है कि एडिशन ऑफ जीरो क्या होता है, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। चलिए अब तो अब इसे अप्लाई करने का टाइम आ गया, इसे अप्लाई करते देखते हैं आप लोगों को कितना ये समझ में आ गया है मेरे समझाने से। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं करना। एड, सब्ट्रैक्ट एंड राइट द अप्रोप्रिएट नंबर इन ईच बॉक्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एडिशन भी दिया है, सब्ट्रैक्शन भी दिया है, आपको साइन को देख के पहचानना है, और फिर प्लस साइन है तो प्लस करना है, माइनस साइन है तो माइनस करना है। तो देखिए 8 है, 8 में प्लस 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8। वेरी इजी, मैंने क्योंकि बताया किसी भी नंबर में 0 प्लस करने पे आंसर वो नंबर ही आता है। देखिए 0 प्लस 10 10, 11 माइनस 0 11। और मैंने ये भी बताया कि किसी भी नंबर में से माइनस करने पे 0 आंसर वो नंबर ही आता है, क्योंकि 0 मींस कुछ भी नहीं होता, तो जो नंबर है वही कॉपी करना है। देखिए 0 प्लस 37 37, 57 माइनस 0 57, 23 प्लस 0 23, 19 माइनस 0 19, 0 प्लस 29 29, 66 प्लस 0 66, 12 प्लस 0 12, 23 माइनस 0 23, 0 प्लस 81 81, 0 प्लस 92 92, 73 प्लस 0 73, 40 माइनस 0 40। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर जीरो से है तो जो जो नंबर है वही सब कॉपी हुए। देखिए जो नंबर है वही सब कॉपी हुए हैं, जीरो को भूल जाइए और सेम नंबर कॉपी कर लेना है ना, तो क्योंकि जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो बहुत ही ईजी है ना स्टूडेंट, आई होप आपको मज़ा आ गया होगा समझ के कि इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द अप्रोप्रिएट नंबर इन ईच बॉक्स टू कम्प्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके, आपको अप्रोप्रिएट नंबर लिखना है बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं क्या है, 5 प्लस डैश इज इक्वल टू 5। ओके, तो किसी भी नंबर में क्या प्लस करने पे आंसर वो नंबर ही आता है, तो 0, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। देखिए 0 में क्या प्लस करोगे तो 7 ही आएगा, 7 ही प्लस करोगे। 15 से क्या माइनस करोगे तो आंसर 15 ही आएगा, 0। 0 में क्या माइनस करोगे तो आंसर 24 आएगा, तो 24 ही होगा, बिकॉज 0 मीन्स नथिंग। सो 19 में कितना प्लस करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा 19, तो 0। 14, 0 में कितना प्लस करेंगे तो 14 आएगा, 14। 55 में से कितना माइनस करेंगे तो आंसर सेम 55 ही रहेगा, 0। 0 में से कितने में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर 27 ही होगा, तो 27। 22 में कितना प्लस करेंगे तो 22 होगा, 0। 18 में कितना प्लस करेंगे तो 18 ही होगा, 0, क्योंकि 0 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे 13 में कितना प्लस करेंगे तो आंसर सेम 13 आएगा, 0। 50 में कितना प्लस करेंगे तो सेम आंसर 50 आएगा, 0। किस में से अगर 0 माइनस करते तो आंसर 27 ही आएगा, सो 27, बिकॉज 0 मीन्स नथिंग। 41 में से कितना माइनस करेंगे तो 41 ही आएगा, 0। 63 में कितना प्लस करेंगे तो आंसर 63 ही रहेगा, 0। ओके, तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट आपने आज ज़ीरो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो आपको सम सॉल्व करना बहुत ही इजी होगा, आप फटाफट से कर लेंगे अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी, मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ पे ये वीडियो एंड होती है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।